गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आज हम वैलेंटाइन मैसेजेस लेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका जोडियक साइन एरीज है। तो देखते हैं कि एरीज के लिए उनके पार्टनर की तरफ से वैलेंटाइन मैसेजेस क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज गिव अस मैसेजेस, मैसेजेस फॉर एरीज, मैसेजेस। ओह, इतने सारे मैसेजेस, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। प्लीज गिव अस मैसेजेस, मैसेजेस फॉर एरीज, मैसेजेस फॉर एरीज, मैसेजेस फॉर एरीज। लास्ट मैसेज, मैसेज फॉर एरीज, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, The Hierophant. All right. Sorry, मैंने कैमरा सेट करना था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हर्मिट आया है। एरीज के लिए वैलेंटाइंस डे पर उनके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस ये हैं कि उनके पार्टनर को एक बहुत ही रिसेंटली कोई क्लैरिटी मिली है। वो बहुत स्पीडी वे में, बहुत ही जल्दी में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पर आएं, आपके लिए कोई क्लैरिटी लेकर आएं, कोई आइडिया लेकर आएं, कोई बहुत ही एनर्जी के साथ वो आएं और आपसे कुछ कहें। डेफिनेटली नाइन ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही मैरिज मटीरियल की तौर पर देखते हैं, लेकिन वो आपको कुछ इस तरह से भी देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। शायद आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और बहुत हाई कैलिबर रखने वाले पर्सन हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन का ये कार्ड होता है। शायद वो आपके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते, इसीलिए शायद वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं, या आपको वैलेंटाइंस डे पर या वो बात वो ज़रूर बताएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं, बिकॉज वो आपकी ब्यूटी को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत सेल्फ सफिशिएंट और फाइनेंशियली स्टेबल, ड्रेसिंग सेंस, इन तमाम चीज़ों में बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो थोड़े से मैनिपुलेट करके, थोड़ी सी तारीफ़ें करके और इस तरीके से आपको जो है वो कंट्रोल कर लेते हों, माइल कर लेते हों, कायल कर लेते हों। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पार्टनर इस वैलेंटाइन डे पर आपको अपनी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन है डेफिनेटली। यहाँ पर जो लोग एरीज रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कोई एक यहाँ पर मैरिड ज़रूर है, या तो एरीज ख़ुद या फिर उनके पार्टनर। और अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप लोग किसी और से यहाँ पर मैरिड हैं, यानी कि आप लोग एक दूसरे से मैरिड नहीं हैं, लेकिन कहीं बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ओवरऑल एनर्जी एक हर्मिट की आई है। आपके पार्टनर की तरफ से एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि वो आपको बहुत एज अ हीलर और एज अ गाइड देखते हैं। तो वैलेंटाइंस डे पर भी आपके इस ऑरा को वो प्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी भी और कुछ एनर्जी आपकी ऐसी भी लग रही है कि लोग आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा मानते हैं। मे बी आप का ताल्लुक किसी साइकिक रीडिंग से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, स्कॉलर हो सकते हैं आप, लेकिन यकीनन ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर लोग आपकी बात को मानते बहुत हैं। तो एरीज के लिए वैलेंटाइंस डे पर यही एक मैसेज बहुत स्पीड में आता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आपको प्रेस करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी बात कहें कि जिसमें वो एक कंप्लीट प्रेज ना हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जो है वो बड़ा नाप तोल के और बड़े तरीके से बात करने वाला कार्ड होता है, और यहाँ पर ऐसा ही फील हो रहा है।
वो आपको मानते बहुत हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके लग्जरीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बातों में बहुत ही नापतोल करके बात करने वाले पर्सन हैं। लेट्स सी कि आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस फॉर एरीज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, यहाँ पर जो इस नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था वो ये भी शो कर रहा था, जैसे मैंने कहा था, आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको कोई बात बताना चाह रहे हैं। ये कोई आइडिया भी हो सकता है, ये कोई एनर्जी भी हो सकती है, एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कोई ऐसा फेज़ या कोई ऐसी साइकिल उनकी लाइफ में इस वक्त आई हुई है जो कि कम्प्लीट होने वाली है, शायद यही बात बताने के लिए आए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हैरोफेंट और हर्मिट के कार्ड से और मैजिशियन के कार्ड से यही लग रहा है, जैसे मैंने कहा था कि वो बातों में बड़े नाप तोल कर बात करने वाले पर्सन हैं, और ऐसा ही फील हो रहा है कि उनको आपके लिए ये भी एक मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी प्रैक्टिकलिटी में वो एक बैलेंस मेंटेन करना या बैलेंस देखना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ही साइड पर जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हों, लेकिन वो ना हो। तो आपके लिए जो एरीज़ हैं, आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है कि वो आपके अंदर तो ये बैलेंस ज़रूर देखते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर ये बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो आपकी इस एबिलिटी को भी लेकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेट्स सी रोमांस ओरेकल से एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर वैलेंटाइंस। रिलीजियस फैक्टर्स। हायरोफेंट का कार्ड एक तरीके से रिलीजन का भी या कास्ट या डिफरेंट कल्चर का भी होता है, और यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि रिलीजियस फैक्टर आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसे मैंने कहा था कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत बैलेंस्ड हैं और प्रैक्टिकली भी बहुत बैलेंस्ड हैं, शायद बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं आप, जो मेरे एरीज़ व्यूअर्स हैं, जितने भी एरियंस हैं यहाँ पर, और ये फैक्टर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सन को। ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिलेशनशिप में। वन मोर मैसेज फॉर एरीज। One more message for Aries. Free yourself. It's time to take back and control of your life. Take back control of your life. Okay. शायद आपने बहुत सारी पाबंदियों में अपने आप को बांध लिया है, इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं वो आपको दूर से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। और ये रिलीजियस बिलीव्स का कार्ड भी और हायरोफेंट का कार्ड भी यही आया है कि शायद आप बहुत ही ज़्यादा ढके छुपे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत पढ़ते हैं आप रिलीजन को, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन यहाँ जो मुझे एक हर्डल लग रही है, और शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज अभी मुझे आया है रिलीजियस फैक्टर्स और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हो सकता है आपके पार्टनर बड़ी फ्री स्पिरिट हो और उन्होंने आपसे कहा हो कि हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने जो है वो उनको रिलीजियस फैक्टर के मद्देनज़र ये बात पर रिफ्यूज़ कर दिया हो। तो शायद आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि फ्री योरसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करो, यानी प्रैक्टिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करो। तो ये फ्री योर सेल्फ का कार्ड कुछ इस तरह से भी आया है। लेट्स टेक अ फाइनल कार्ड और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। जो मेरे एरीज व्यूअर्स हैं, अगर वो रिलीजियस नहीं हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं, कुछ आपके सेट बिलीव्स हैं जिन पे आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और ऐसी सेलिब्रेशंस और ये सब चीज़ें मनाना भी शायद मुझे लग रहा है आपके लिए, आप इन चीज़ों को नहीं मानते। तो भाई मैं तो रीडिंग कर रही हूँ एरीज के लिए, अब आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने कार्ड शफल कर लिए थे, आई विल जस्ट टेक वन कार्ड।
सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। फ्री योर सेल्फ का कार्ड भी कुछ इसी तरह का है, और यहाँ पर भी यही आया है कि आप बहुत कुछ नहीं कर रहे, आप दूसरे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे तो कुछ ऐसा ज़रूर छोटा सा कीजिए जो कि आपको खुशी दे। शायद आपके पार्टनर आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि हम किसी और के रिलीजन में इन्फ्लुएंस होकर अगर वैलेंटाइंस नहीं मना रहे तो एटलीस्ट हम अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो मनाएं, तो हमारा रोज़ का दिन जो है वो वैलेंटाइन होगा। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ छोटे छोटे से, जैसे यहाँ पर ये जानवरों को कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, आप पिजन्स को बाजरा डाल दें, आप पेट्स को जो है कुछ फीड कर दें, आप किसी को खाना खिला दें, आप चैरिटी कर दें, आप कुछ ऐसा करें, ये आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर वैलेंटाइन पे एक मैसेज है कि ये भी एक एक्ट ऑफ लव और एक्ट ऑफ काइंडनेस है, जो कि छोटे छोटे काम करके भी खुशी मिलती है। तो खुश रखें अपने आप को, आपके पार्टनर आपको ये बात कह रहे हैं कि खुश रहो, खुश रखो, और छोटे छोटे से ऐसे काम ज़रूर करो इस वैलेंटाइन पे या हर वैलेंटाइन पे या हर रोज़ जो तुमको खुश रखें। तो ये थी एरीज़ के लिए रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।